ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਦੀਪੂਰਵ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂਗ ਕੋ ਮਰਵਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹਾ ਥਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਦੇਖੋ 5-5-6-6 ਮੇਰ ਕੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨੋ ਕੋ ਯਹੀਂ ਰੋਕ ਦਿਆ ਹੈ और रोका उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो है जो किसान यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर बैठा हुआ था उसके ऊपर में आंसू गैस के गोले छोड़े गए गोलियां चलाई गई जिसमें हमारे 200 से 400 जो किसान थे या हमारे युवा साथी थे वो आज हॉस्पिटलों में है कईयों की आंख चली गई कईयों की टांग चली गई कईयों का बाजू चला गया ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर यहाँ पे बनाया हुआ है और सारा जो नेट जो है उन्होंने पूरा बंद करके रखा है जितने भी हमारे सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं या यूट्यूब है उन सबको उन्होंने बंद कर दिया है ताकि तो अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो ये इस तरह की हरकत नहीं करते एक लड़की आई थी जी वो किसानों को गंदे गंदे इशारे कर रही है जी फिर भी किसानों ने बड़े अच्छे तरीके से उसको बेटा कहकर संबोधन किया और कुछ गलत नहीं करा ऐसे भी शरारती आंदोलन में भेजे जा रहे हैं एक आप देखना कि इधर आज एक ट्रक को आग लगाई गई है उसका दोष भी किसानों पर मढ़ा जा रहा है मैं पंजाब के लोगों को सलूट करना चाहता हूँ इसके साथ साथ हरियाणा के लोगों को भी सलूट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने उस आंदोलन में बड़ी मजबूती के साथ लड़ा पूरी बहादुरी के साथ लड़ा और पूरे हिंदुस्तान को एकजुट कर दिया पूरी स्टेटों और उस आंदोलन में सभी पूरे भारत को इकट्ठा कर दिया तब जाके जो है ये सरकार वहाँ झुकी है ये जो सरकार है आपने इसका देखना जब से ये बनी हुई है इसमें कभी भी रोजगार की बात नहीं करती शिक्षा की बात नहीं करती स्वास्थ्य की बात नहीं करती किसानों की बात नहीं करती मजदूरों की बात नहीं करती मतलब सिर्फ इनका एक एजेंडा है हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान मंदिर मस्जिद सिख ईसाई मतलब ये लोगों को धर्म की फील चुपाते हैं लोग भाईचारे को खत्म करते हैं लोगों को आपस में लड़ाते हैं कभी अगड़ा वर्ग कभी पिछड़ा वर्ग कभी जातियों में बांटना मतलब इनका काम नहीं करते 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग यहाँ पर हैं, महिला यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर हैं। अगर किसान इतना खुशहाल होता यहाँ मैंने देखा 40-40 किलो जमीन के मालिक हैं, 80-80, 100-100 किलो के मालिक हैं, लेकिन वो भी सड़क पे है अगर किसान इतना खुशहाल होता तो इनको जरूरत क्या थी यहाँ ये तो 5-स्टार होटल में रहते जिनके पास 80-80, 100-100 किलो लेकिन सरकार ने किसानों के बारे में सोचा ही नहीं आप देखिए जो बीज के रेट बढ़ा दिए दवाइयों के रेट बढ़ा दिए इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें सब में GST लगा दिया। सत श्री अकाल जी साढ़े ना वीर जगदीश ठाकुर जो हिमाचल तो है किसान भरा आया ये भी शंभू बार्डर ते किसान वीरां दे नाल आके डटिया होया गलबात करांगे जगदीश ठाकुर जी ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਨੇ ਮੇਰੀ ਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹਾ ਹੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜੋ आंदोलन चला था और दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था जिसमें हमने कई साथियों को खोया है 700 से 800 किसानों की उसमें शहादत हुई है 60,000 लोगों के ऊपर जो है सरकार ने FIR दर्ज की थी और कई लोग जो है जेलों में गए थे बड़ी प्रताड़ना झेली थी और उसके बाद जो है सरकार 13 महीने के बाद जो है सरकार ने जो काले कानून बनाए हुए थे उनको वापस लिया और जो जो किसानों की जितनी भी डिमांड थी चाहे MSP की बात थी या दूसरी कोई जितनी भी डिमांडें थी सबको माना था और देखिए आप सरकार ने वायदा किया था किसानों के साथ किसान जो है 2 साल से भी ज्यादा समय हो गया इंतजार कर रहा था कि सरकार जो है हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करेगी लेकिन सरकार ने 2 साल से भी ज्यादा का समय लगा दिया और अब फिर से किसानों को जो है आंदोलन करना पड़ रहा है
और देखिए आप क्या स्थिति है यहाँ का, क्या नजारा है ये देखिए सामने। जबकि किसान जो है बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग को मनवाने के लिए दिल्ली जा रहा था, और सरकार ने यहाँ पर देखो पांच पांच छह छह लेयर के यहाँ पे बैरिकेड लगा दिए है और किसानों को यहीं रोक दिया है। और रोका उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो है जो किसान यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर बैठा हुआ था उसके ऊपर वे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गोलियां चलाई गई, जिसमें हमारे 200 से 400 जो किसान थे या हमारे युवा साथी थे वो आज हॉस्पिटलों में है। कईयों की आंख चली गई, कईयों की टांग चली गई, कईयों का बाजू चला गया। और मतलब एक हमारे जो साथी थे ज्ञानचंद जी, वो परसों जो है उनकी शहादत हो गई है। और देखिए अब आज जो मीटिंग है, बातें तो की जा रही है कि शायद आज मीटिंग में फैसला हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये लोग अभी तीन दौर की बात तो पहले हो चुकी है, चौथे की आज चल रही है। अगर इन्होंने किसानों के हित में कोई बात करनी थी, अगर ये खुश है अभी, ये चाहते हैं कि हम किसानों को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो इन्होंने इस तरह की जो ये हरकत कर रहे हैं, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर यहाँ पे बनाया हुआ है और सारा जो नेट जो है इन्होंने पूरा बंद करके रखा है, जितने भी हमारे सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं या यूट्यूब है उन सबको इन्होंने बंद कर दिया है कि ताकि, तो अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो ये इस तरह की हरकत नहीं करते। भी एक बात देखना, एक लड़की आई थी जी, वो किसानों को गंदे गंदे इशारे कर रही है जी, फिर भी किसानों ने बड़े अच्छे तरीके से उसको बेटा कहकर संबोधन किया और कुछ गलत नहीं करा। ऐसे ऐसी ऐसे भी शरारती अंसर इस आंदोलन में भेजे जा रहे हैं। एक आप देखना कि इधर आज एक ट्रक को आग लगाई गई है, उसका दोष भी किसानों पर मढ़ा जा रहा है। अरे देखिए जो 13 महीने जो वहाँ आंदोलन चला हुआ था, ये चीजें तो किसानों ने पहले देखी है कि मतलब किसानों के ऊपर कैसे कैसे एलिगेशन लगाए इन्होंने। लेकिन मैं पंजाब के लोगों को सलूट करना चाहता हूँ, इसके साथ साथ हरियाणा के लोगों को भी सलूट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने उस आंदोलन को बड़ी मजबूती के साथ लड़ा, पूरी बहादुरी के साथ लड़ा और पूरे हिंदुस्तान को एकजुट कर दिया, पूरी स्टेटों और उस आंदोलन में सभी पूरे भारत को इकट्ठा कर दिया, तब जाके जो है ये सरकार वहां झुकी है। लेकिन ये जो सरकार है, आपने इसका देखना जब से ये बनी हुई है, इसने कभी भी रोजगार की बात नहीं करती, शिक्षा की बात नहीं करती, स्वास्थ्य की बात नहीं करती, किसानों की बात नहीं करती, मजदूरों की बात नहीं करती। मतलब सिर्फ इनका एक एजेंडा है, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, मंदिर मस्जिद, सिख ईसाई, मतलब ये नाम पे लड़ाना है। ये लोगों को धर्म की फीम चटाते हैं, लोग भाईचारे को खत्म करते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं, कभी अगड़ा वर्ग, कभी पिछड़ा वर्ग, कभी जातियों में बांटना, मतलब इनका काम नहीं करते, पर वोट की राजनीति करते हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी इलेक्शन 2024 में है और इन्होंने एक राम मंदिर का मुद्दा स्टार्ट कर दिया है, और राम मंदिर के तहत जो है लोगों को धर्म की फीम चटाई जा रही है और उसका एक राजनीतिकरण किया जा रहा है, जबकि वो राम मंदिर एक आस्था का विषय है, सभी का अपना अपना धर्म है, चाहे सिख है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, सब सबकी अपने अपने धर्म के साथ आस्था है, इसी से तो हिंदुस्तान बना हुआ है। मतलब भिन्न भिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन ये लोग इस भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। मैं आप देखो यहाँ पर 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग यहाँ पर हैं, महिला यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर हैं। अगर किसान इतना खुशहाल होता, यहाँ मैंने देखा 40-40 किलो जमीन के मालिक हैं, 80-80, 100-100 किलो के मालिक हैं, लेकिन वो भी सड़क पे है। अगर किसान इतना खुशहाल होता तो इनको जरूरत क्या थी यहाँ, ये तो 5-स्टार होटल में रहते जिनके पास 80-80, 100-100 किलो। लेकिन सरकार ने किसानों के बारे में सोचा ही नहीं। आप देखिए जो बीज के रेट बढ़ा दिए, दवाइयों के रेट बढ़ा दिए, इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें सब में जीएसटी लगा दिया। मतलब सब्सिडी बंद कर दी, सब्सिडियां बंद कर दी किसानों को। तो अब देखिए आप इस देश में हर साल कितने किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, कर्जे के बोझ से होके और आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये लोग नहीं चाहते कि हमारा किसान जो है खुशहाल बने। और
इन्होंने देखो जब से ये सरकार में आए, इन्होंने जितने भी जो 70 सालों में पीछे जो बाकी सरकारों ने काम किया था, जितने जो इंस्टीट्यूशन खोले हुए थे सरकार ने, सबको इनको इन्होंने बेच दिया। रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, मारुति बेच दी, BSNL बेच दिया, LIC बेच दी, मतलब इन्होंने छोड़ा क्या इस दिन? धरती बेच दी, आसमान बेच दिया, पताल बेच दिया, छोड़ा कुछ नहीं है, बस बेचते जा रहे हैं। जो पीछे जो कमाया था उसको बेचे जाते हैं। और पूंजीपतियों को, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं है। अब पूंजीपतियों का लोन इन्होंने माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया, 14-15 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। और किसानों का इतना है नहीं है, सभी किसानों का इतना कर्जा नहीं है जितना एक एक बंदे का कर्जा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बताऊं, जो उद्योगपतियों ने कभी ऐसा डिमांड नहीं की, कभी जंत्र मंत्र में नहीं गए कि हमारा कर्जा माफ करो, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कर्जा माफ कर दिया। लेकिन किसान इतनी बेहाली है, मतलब कब से चिल्ला रहा है, आंदोलन कर रहा है, कितने किसान जो है शहीद हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अंबानी ने मकान देते हेलीकॉप्टर लैंड करता है, कदे किसान ने खेत से हेलीकॉप्टर लैंड किया नहीं किया। हाँ जी, तो इस तरह की हालत है इस देश में। और मैं तो चाहूंगा, आप देखो, आप जो हमारा, एक तो ये भी कहना चाहूंगा, जो हमारा नेशनल मीडिया है वो कभी भी ना महंगाई की बात करता है, न रोजगार की बात करता है, न शिक्षा की बात करता है, न स्वास्थ्य की बात करता है, न बिजली पानी सड़क जो भी, न किसानों की बात करता है, न मजदूरों की बात करता है, केवल वो भी बस हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उस पर डिबेट करता है, इन मुद्दों पे डिबेट नहीं करता। जो जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, लेकिन जो हमारा जो नेशनल मीडिया है वो तो सरकार को सेफ करता है, जबकि उसको सवाल पूछने चाहिए, लेकिन वो तो मतलब एक प्रवक्ता जो, जैसे पार्टी का कोई प्रवक्ता होता है तो वो तो बीजेपी का प्रवक्ता बना हुआ है, जबकि मीडिया का काम है विपक्ष का काम करना, एक चौथा स्तंभ है, लेकिन वो भी दलाल बना हुआ है। और जो इस सरकार में जो भी आवाज उठाता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स, CBI, ED, इस तरह की जो इनकी गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उनको लगा देते हैं और परेशान करते हैं। और यहाँ तक जो पत्रकार, जो ईमानदार पत्रकार है, अगर वो सही बात करता है, सरकार की जो जो कमियां हैं उसको उजागर करता है, तो उसको भी जेलों में बंद कर देते हैं। तो ये तो तानाशाह है, लोकतंत्र की तो इन्होंने हत्या कर दी है। ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये शास्त्रों को नहीं मानते हैं। और देखिए, राम मंदिर की बात आई, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो गुरु, धर्म गुरु होता है सनातन धर्म का, वो शंकराचार्य है। उन्होंने कहा कि अभी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं है, इसलिए इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद भी मोदी जी ने अधूरे मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा कर दी। मोदी कर रहा है और कोई पंडित नहीं कर रहा। हाँ देखिए ना, सबसे बड़ी बात है, जबकि प्रधानमंत्री का काम थोड़ी है, ये तो कोई धर्म गुरु करूंगा, आस्था का विषय है, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन प्रधानमंत्री वहां मतलब मंदिर का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो ये चीजें इस देश में चली हुई है। तो इनसे आज कोई उम्मीद नहीं है मेरे हिसाब से कि ये कुछ करने वाले हैं। बाकी किसान जो है उनका एक्सपीरियंस है, 13 महीने की उन्होंने ट्रेनिंग ली है, वो डरा थोड़ी। हिमाचल तो है जिन्होंने किसाना का दुख महसूस करते हुए शंभू बॉर्डर ते राता गुजार रहे ने, ये वीर है जेड़ा 13 महीने दिल्ली बैठे रहे ने किसाना दे नाल, क्योंकि पता है कि किसान देश का अन्नदाता है, जेड़ा देश का ढिड भरता है, जिन्हें देश नू अगे लेके जाना है। और हर बंदा, चाहे वह पूंजीपति है, चाहे उद्योगपति है, चाहे कारोबारी है, चाहे फैक्ट्री का मालिक है, उहदा संबंध किसान नाल जुड़िया है, क्योंकि किसान के खेतों से अनाज उगेगा तो उन्होंने बच्चे पेट भर के खाणगे। जे किसान रोटी अनाज नहीं खाएगा तो सारा देश भुखा मरेगा। पर यह वीर की असं धन्यवाद करते हैं जिन्होंने शंभू बॉर्डर से बैठ के किसान वीर का साथ दे रहे हैं। जगदीश ठाकुर जी, हिमाचल को, धन्यवाद जी।